Hi friends, welcome to your channel Tamal IT Tips and Topic. Friends, आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज SAP इन फ्यू मिनट्स। मैं फ्यू मिनट्स में आपको बताने जा रहा हूँ SAP क्या है। ये जो आज का वीडियो है वो मेनली जो बिगिनियर्स है जो SAP का बारे में जानना चाहते हैं, SAP फील्ड में नया नया आ रहा है और आना चाहते हैं और SAP के ऊपर काम कर रहा है, ये बेसिकली वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि SAP क्या है, किस टाइप का इंडस्ट्री को SAP मेनली फोकस करते हैं, SAP में आपको क्या एफिशिएंसी मिलेगा, किस टाइप का इसमें आपको नॉलेज का जरूरत है, इसका स्कोप क्या है, बहुत सारे चीज मैंने इस वीडियो में बोलने वाला हूँ। वो भी बहुत ही कम मिनट्स पे, मतलब हो सकता है आपका 5-7 मिनट में ये वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि SAP क्या है। उसीलिए ये वीडियो का जो सब्जेक्ट लाइन है व्हाट इज SAP इन फ्यू मिनट्स। व्हाट इज SAP, हम लोग सब जानते हैं SAP स्टैंड्स फॉर सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। इट इज ए मोस्ट पॉपुलर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर इन द मार्केट। SAP इज ए सॉफ्टवेयर, इट इज ए ERP सॉफ्टवेयर। ERP का मतलब है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अगर मैं और डेप्थ में जाता हूँ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है एक एंड टू एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम्स for all the modules, for all the department, for all the cost center। आपका organization में ऐसा एक software चलता है जो software जितने सारे department है, आपका sales department, आपका purchase department, आपका finance department, आपका production department, आपका quality department, आपका HR department, हर department को जुड़े रखते हैं। जितना सारा डिपार्टमेंट है सबका साथ, सब डिपार्टमेंट का साथ, सबका एक इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप है। कोई भी डिपार्टमेंट में अगर आप कुछ भी काम करोगे उसका इफेक्ट दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में जाएगा। तो इट इज ए इंटीग्रेटेड ERP सॉफ्टवेयर। किस चीज के ऊपर काम करता है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इसी चीज के ऊपर काम करता है। तो SAP का मतलब क्या हो गया, डिफाइनिंग SAP स्टैंड्स फॉर सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। It is an application software who manage the all size of businesses and their core business processes. SAP सिर्फ multinational company और बहुत बड़ा company, ऐसा company में ही सिर्फ implement हो सकता है और ऐसा company में SAP सिर्फ चल सकता है, ऐसा नहीं है। आज का डेट में small company, mid size company, जितना type का company आज का डेट में है सब कंपनी SAP इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड उनका जो बिजनेस कोर प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बोला प्रोडक्शन हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, मटेरियल मैनेजमेंट हो सकता है, एचआर हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, सब डिपार्टमेंट एक दूसरे का सब कनेक्टेड रहेगा थ्रू दिस सॉफ्टवेयर, थ्रू दिस एप्लीकेशन। कोर बिजनेस प्रोसेसेस आर फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, कॉस्टिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, प्लांट मेंटेनेंस एंड सो ऑन। जितने सारे कोर प्रोसेसेस है सब कोर प्रोसेसेस इंटीग्रेटेडली काम कर सकता है SAP का थ्रू। इट इज हाईली इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड सीमलेसली कनेक्टेड टू ईच अदर। मैंने जो बोला इट्स ए हाईली इंटीग्रेटेड सिस्टम, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट्स आर कनेक्टेड, ईच एंड एवरी प्रोसेस आर कनेक्टेड
to each and every modules. So, and it works seamlessly. Without कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, without any kind of issues, it can integrate, it can work seamlessly. Benefit of using SAP, SAP use करने पे आपका benefit क्या हो सकता है, क्या benefit आपको हो सकता है SAP use करने पे? There are many benefits to using SAP. Number one, increase efficiency. SAP can help business streamline their operation and automate many manual tasks. SAP आपका efficiency increase करेगा, आपका जितना सारे business processes है, जितना सारा operation है, वो streamline हो जाएगा and आप बहुत सारे manual tasks को आप automate कर सकते हो, so that you can आपका जो manpower का जो effort, आपका manpower effort आपका reduce हो सकता है, आपका cost reduce हो सकता है, और it can work seamlessly without any manual intervention. This can lead many significant time and cost saving. ये आपका time and cost saving कर सकता है. SAP का through आप बहुत सारा आपका जो manual task के manual intervention जिस जिस process में है उसको आप automate कर सकते हो. तो ये जो है SAP का जो benefits हम लोग discuss कर रहे हैं. Second benefit क्या होगा? Improve visibility. विजिबिलिटी के मतलब क्या है, आप देख सकते हो, क्लियर पिक्चर आपका साथ रहेगा, आपका पास रहेगा. SAP provides a single view of all their business data and reports which can help them to take decision. आप end to end जितना सारे आपका business process है, जितना सारे आपका report है, data है, आप हर चीज का visibility रहेगा, वो आप देख सकते हो और उसको देख के आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो. नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ यूजिंग SAP, एनहांस्ड कंप्लायंस. एनहांस्ड कंप्लायंस, SAP हेल्प्स यू टू प्रोवाइड ए व्यू ऑफ योर कॉम्प्लेक्स डेटा इंक्लूडिंग फाइनेंस एंड कॉस्टिंग. एनहांस्ड कंप्लायंस, आपका जो कंप्लायंस है उसको एनहांस करेगा. आपको किस चीज पे हेल्प करेगा, आपका जो कॉम्प्लेक्स डेटा है इंक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्टिंग, उसका भी विजिबिलिटी आपको क्लियर रहेगा. और आप योर कॉम्प्लेक्स डेटा यू कैन इंक्लूड फॉर योर फॉर द मेकिंग डिसीजन. बेनिफिट ऑफ यूजिंग SAP, एजिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी. SAP हेल्प्स बिजनेस अडेप्ट टू चेंज इजिली एंड क्विकली. आपका एजिलिटी अडेप्टेबिलिटी रहेगा. SAP आपको कोई भी चेंज मैनेजमेंट में, कोई भी एजिलिटी में, कोई भी अडेप्टेबिलिटी में आपको हेल्प करेगा. वो चीज आप इजिली कर सकते हो, कोई भी चीज में आपका इजिली अडेप्टेबिलिटी हो सकता है अगर आप SAP का थ्रू आपका प्रोसेस जा रहा है. Agility, adaptability, purpose, successful innovation. Innovation के लिए agility and adaptability is the very most important things. Who will use SAP and why? कौन SAP use कर सकता है and क्यों कर सकते हैं? SAP is used not only for AMC. SAP is used not only for MNC, जो मैंने बोला. It is used by many more medium size of businesses. As per the report by SAP, over 80% of the SAP businesses comes from the small and medium size of the businesses. SAP same MNC use nahi karte hai. SAP use karne ka piche hum logon ne dekha 70 to 80% medium and small company bhi SAP use karte hai to streamline their process. There are many specific examples of businesses which are running on SAP services. Like बहुत सारे business है जो SAP services का ऊपर चलता है. कौन सा
जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एसएपी इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस एसएपी टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल, टू प्रोडक्शन प्लानिंग, टू फिनिश प्रोडक्ट डिलीवरी। रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्शन प्लानिंग से लेके डिलीवरी से लेके पेमेंट रिसीप्ट से लेके बैलेंस शीट से लेके एसेट वैलिडेशन से लेके हर चीज एसीपी का थ्रू पॉसिबल है। जो बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो सब एसीपी यूज करता है टू मेंटेन देयर प्रोसेस, टू स्ट्रीमलाइन देयर प्रोसेस। दूसरा क्या है, जो रिटेल कंपनी है, रिटेल कंपनी भी एसीपी यूज करता है। ए रिटेल कंपनी यूजेस एसीपी टू मेंटेन इन्वेंटरी। जो रिटेल कंपनी है वो एसीपी यूज करता है टू मेंटेन इन्वेंटरी, सेल्स ऑर्डर, कस्टमर रिलेशनशिप। तो जितना सारे कोर बिजनेस मॉड्यूल है, सब कोर बिजनेस मॉड्यूल है, कोर बिजनेस प्रोसेस है, इन्वेंटरी, सेल्स ऑर्डर, सेल्स इनवॉइस, कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर एक्सपीरियंस, ईच एंड एवरीथिंग, दिस कैन बी इंटीग्रेटेड विथ एसीपी। रिटेल कंपनी क्या करता है, कस्टमर रिलेशनशिप एंड सेल्स ऑर्डर जितना प्रोसेस है सब एसीपी का थ्रू होता है। तो एसीपी आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुली रन करता है, रिटेल इंडस्ट्री में सक्सेसफुली रन करता है। अब आता है कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी। कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी में एसीपी क्या करता है, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी यूज एसीपी टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग कैंपेन। तो आपका जो कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी हो उसका जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो करता है, जो प्रोडक्ट बनाता है, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो करता है एंड जो मार्केटिंग कैंपेनिंग, हर चीज में एसीपी यूज होता है। नेक्स्ट कौन सा इंडस्ट्री आता है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। ये फाइनेंशियल सर्विस कंपनी यूज एसीपी टू मेंटेन कस्टमर अकाउंट्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट। ए फाइनेंशियल सर्विस कंपनी यूज एसीपी टू मेंटेन कस्टमर अकाउंट्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट। कस्टमर अकाउंट्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट। हर कोर मॉड्यूल पे, हर कोर प्रोसेस में एसीपी इज मैंडेटरी नाउ इट इज। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी एसीपी, ए हेल्थ केयर कंपनी यूज एसीपी टू मैनेज पेशेंट्स रिकॉर्ड, बिलिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स। तो आज का डेट में जो हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर कंपनी है, जो भी हेल्थ केयर रिलेटेड इंडस्ट्री है उसमें एसीपी चलता है। उसका पीछे जो पेशेंट का जो रिकॉर्ड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पेशेंट्स रिकॉर्ड, बिलिंग रिकॉर्ड, क्लिनिकल ट्रायल, डॉक्टर रिकॉर्ड्स, ऑपरेशन रिकॉर्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग कैन हैंडल्ड बाय द एसीपी। टेक्नोलॉजी कंपनी भी आज का डेट में एसीपी यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनी यूज एसीपी टू मैनेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। तो टेक्नोलॉजी कंपनी भी आज के डेट में एसीपी ओरिएंटेड है। Each and every big technology companies use the SAP to manage their core processes like software development, customer report, financial reporting, each and everything. Telecommunication company use SAP to manage customer accounts, network infrastructure, billing, customer accounts, network infrastructure, billing. ट्रांसपोर्टेशन कंपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी भी आज के डेट पे यूज करता है टू मैनेज फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, शिपिंग शेड्यूल, कस्टमर ऑर्डर। तो आप देखो जितना सारे इंडस्ट्री है, जो मेन इंडस्ट्री, इवन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो यूज एसीपी टू मैनेज देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, सिटीजन रिसोर्सेज। जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होता है उनको भी एसीपी मेंटेन करना पड़ता है टू मैनेज देयर
ऑल द रिपोर्ट्स, डेटा, ट्रांजेक्शन, एवरीथिंग. वो फिनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, सिटीजन सर्विसेज, सब कुछ एसीबी का थ्रू मैनेज करता है. कंक्लूजन में क्या है? कंक्लूजन में है, इन कंक्लूजन ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस आर यूजिंग एसीपी टू मैनेज देयर प्रोडक्शन, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इंप्रूव देयर एफिशिएंसी, विजिबिलिटी, कंप्लायंस एंड एजिलिटी. आप एसीपी का थ्रू आपका जितना सारे कोर बिजनेस प्रोसेसेस है, लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, आपका जितना सारे प्रोसेसेस है, आपका विजिबिलिटी, एफिशिएंसी, कंप्लायंस, एजिलिटी, ऑडिट, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन मैनेज थ्रू एसीपी. इफ यू आर लुकिंग फॉर ए वे टू स्ट्रीमलाइन योर ऑपरेशन डायरेक्शन एंड मेक बेटर बिजनेस डिसीजन, देन एसीपी विल बी ए बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू. तो आज जो मैंने वीडियो बनाया, व्हाट इज एसीपी इन फ्यू मिनट्स, इस वीडियो में मैंने बताया एसीपी क्या है, कौन कौन एसीपी यूज कर सकता है, एसीपी का बेनिफिट्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने ये वीडियो में जितना हो सके मैं इसको कवर अप करने का कोशिश किया. फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड लोगों को शेयर कीजिए. एंड अगर आपका पास कुछ रिमार्क्स है, कुछ भी चीज आप जानना चाहते हो, तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे.